बागवानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलो निर्धारित कर दिया है। सरकार के इस फैसले के किसानों बागवानों ने स्वागत भी किया और वहीं बीजेपी नेताओं ने भी सरकार का आभार जताया है। जबकि कांग्रेस नेता सरकार के फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं लेकिन इसे बागवानों के लिए नाकाफी बता रही है। तो सेब बागवानों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और 50 रुपए किलो से कम कीमत के सेब के आयात पर रोक लगी। कीमत 50 रुपए प्रति किलो से ऊपर है तो आयात मुक्त होगा और ये शर्त भूटान से आयात होने वाले सेब पर लागू नहीं होगी। साथ ही सरकार के फैसले से सेब बागवानों के लिए प्रतिस्पर्धा कम होगी। तो भारत के सेब निर्यात करने वाले मुख्य देशों में अमेरिका, ईरान, ब्राजील, यूएई, अफगानिस्तान, फ्रांस, बेल्जियम, चिली, इटली, तुर्की, साथ ही न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और पोलैंड भी इसमें शामिल हैं। मैं जो है जो 50 रुपए की न्यूनतम उसका मूल्य निर्धारित माना जाएगा, यानी कि अभी तक जो सेब यहाँ भारत में आता था वो सेब जैसे कि ईरान जैसे देशों का सेब आता था, जिसने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों के नाक में दम करके रखा हुआ था। भारत सरकार के इस निर्णय का हम जो है हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम जो पिछले 3 वर्ष से इस मुद्दे को बार बार केंद्र सरकार से उठा रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को और कॉमर्स मिनिस्टर का हम पीयूष गोयल जी का भी धन्यवाद करते हैं। चीन का सेब नरेंद्र मोदी जी ने रोका, वॉशिंगटन के सेब को बहुत महंगा किया, उसका सीधा जो असर वो हमारे बागवानों को मिला। उसके अलावा जो कल एक ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया उसके लिए तो मैं दिल की गहराइयों से उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरा मानना है अब हमारी आर्थिकी बढ़ेगी, हमें जो एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का जो एक डर था उससे हम कहीं ना कहीं हमारे को काफी रिलीफ मिला है। मैं इसके लिए सभी बागवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यानी कि बीते कल एक ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने हम सब बागवानों के लिए लिया। हम स्वागत करते हैं इस फैसले का, हम स्वागत करते हैं, परंतु हमें लगता है कि ये लड़ाई अभी आधी जीती गई है, आधी लड़ाई जीती जानी बाकी है। क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हैं सेब को लेने के लिए तो आपको सेब लगभग 100, 120 या 150 रुपए किलो मिलता है, तो भारत सरकार ने 50 रुपए से कम जो सेब है उसको तो संरक्षित किया परंतु जो 50 से ऊपर है उसको संरक्षित नहीं किया। तो मैं समझता हूँ इसकी जो लिमिट है उसको बढ़ा करके कम से कम 100 रुपए करने की आवश्यकता है।